नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे। बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली केविन पीटरसन के बारे में। पीटरसन जी ने भाई इंडिया को सतर्क करने के लिए ट्वीट करा है। अभी हाल ही में जो इंडिया की जीत हुई थी सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इंडिया को ये ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाइए क्योंकि ये सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है। चलो ये तो उन्होंने शाबाशी दे दी। फिर उसके नीचे भी उन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन लेकिन असली टीम तो कुछ हफ्तों बाद आ रही है जिससे आपको हराना होगा अपने घर में, बट द रियल टीम इज़ कमिंग आफ्टर अ फ्यू वीक्स एंड यू हैव टू बीट इट योर ओन बैकग्राउंड। मतलब भारत के ही उसी ग्राउंड पे, मतलब होम ग्राउंड कहते हैं ना वैसे ही, रूट रेफरिंग इंडियाज नेक्स्ट। और फिर उसके नीचे भी उन्होंने कुछ लिखा है कि सतर्क रहिए, दो सप्ताह में बहुत अधिक जश्न मनाने से सावधान रहें। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि असली टीम अब आ रही है इंग्लैंड, अब इसके अंदर आप जश्न मना के दिखाओ हमें। ये मतलब ऐसे इन्होंने बोला, ऐसे वो ऐसे कहते हैं ना, मीठा बोल के और फिर अपनी शाबाशी करवा लेना, वैसे इन्होंने करा है कि तारीफ़ तो दे दी लेकिन उसी तारीफ़ में छोटी सी वार्निंग भी दी कि असली टीम तो अब आ रही है, अब सतर्क रहना इंग्लैंड से। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब सही कह रहे हैं क्या केविन पीटरसन, इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया टीम है क्या जो इंडिया को बीट कर सकती है उनके ही मैदान पर? देखो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं खास कि इंग्लैंड बीट कर पाएगी, लेकिन आपकी राय बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हो सकता है क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। केविन पीटरसन ने इंडिया को मतलब एक सतर्कता जैसे बोला है कि असली टीम तो अब आ रही है, उसका जीत का जश्न तो मना लिया लेकिन 2 सप्ताह तक जश्न मत बनाना, मतलब ऐसे सावधानी दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।